नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। फरक्काबाद नगर पालिका नगर पंचायत के नामांकन के आखिरी दिन सदर सीट से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता की मां सुषमा गुप्ता ने प्रत्याशी बनकर नामांकन किया। समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। बता दें कि धारा 144 लागू होने के बाद भी जुलूस यहां निकाला गया। बीजेपी सांसद विधायकों ने बाइक जुलूस निकाल नामांकन में वो शामिल हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुमताज बेगम ने सदर नगर पालिका से अपना नामांकन किया है। नामांकन के आखिरी दिन यहां खूब गहमा गहमी रही और फरक्काबाद में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। कांग्रेस से मुमताज बेगम ने अपना नामांकन किया है। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने यहां अपना नामांकन किया। नामांकन का आज आखिरी दिन और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट रही। हालांकि बीजेपी की तरफ से जुलूस यहां निकाला गया एक धारा 144 लागू होने के बावजूद, और तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है। आपको बता दें फरुखाबाद से खबर है, यहां नामांकन के आखिरी दिन खूब गहमा गहमी बनी रही। फरुखाबाद में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नहीं, कोई लेट नहीं, आज लास्ट दिन है। आज ही हम सब लोग नामांकन करने वाले थे। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उसके आधार पर सीटें डिक्लेयर की हैं। तो लड़ाई लेट नहीं, तीनों सीटों पर लड़ाई किसे मान रहे हैं? कितने यहाँ कोई है ही नहीं टक्कर। अहमदाबाद में आप जो वहाँ पर अभी तक सीट थी वो विपक्षी पार्टी के पास थी, उससे क्या फाइट रहेगी? आपकी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते तीनों सीट। नगर निकाय चुनाव के चलते झांसी में आम सभा में शामिल होने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उपस्थित जनता से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। कहा कि आप ये मत देखिए कि प्रत्याशी कौन है, आप तो कमल के निशान को देखिए और भाजपा को जिताने का प्रयास कीजिए। साथ ही यह भी कहा कि आने वाली 13 मई को सपा बसपा कांग्रेस सब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत, दम भरते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी उपमुख्यमंत्री ने दिया। सही है, मोबाइल को लगाया। 17 नगर निगम है, अर्थात 760 हमारे नगर निकाय है। चारों तरफ भाजपा की आंखें चल रही है। बहुत बड़े अक्षर से कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस की हवा पूरी तरह से खराब है। 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, इसको साकार करने के लिए जनता तैयार है। 2023 के नगर निकाय चुनाव के तत्काल बाद जो अगला चुनाव आने वाला है वो लोकसभा का, हम पूरे विश्वास से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और यूपी की 80 और बिहार की 40 सीताराम कर देंगे। आपको नहीं कार्रवाई, हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ नेता कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप समस्या न करिए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। स्वयं नंदी जी लगे हुए हैं, अभिलाषा जी लगी हुए हैं। मैनपुरी साइबर सेल और कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीवन साथी ऐप पर फर्जी रॉ ऑफिसर बनकर आईडी बनाकर लड़कियों को शादी का झांसा देकर उसने ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से रॉ ऑफिसर का फर्जी आईडी कार्ड, नकदी और मोबाइल भी बरामद किया है। आरोपी ने बताया कि वहां रॉ ऑफिसर बनकर जीवन साथी ऐप पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों से वो ठगी किया करता था और वो आईटीबीपी पुलिस में सिपाही के पद पर भी तैनात था। 2017 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था।
एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की है जो छपट्टी मोहल्ले कोतवाली की रहने वाली है, उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जीवनसाथी.com पे एक प्रोफाइल बना के डाला था शादी के संबंध में, जिसमें एक राजवीर नामक लड़के का फोन आया था कि वो उसके घर वाले उसे पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तो इस पर बातचीत शुरू हुई, फिर उसने इसके साथ धोखाधड़ी करना शुरू किया और कभी अपनी माँ की बीमारी के नाम पर, कभी अन्य कामों से संबंधित इससे 5 लाख रुपए ठग लिए, जिसपे हमारे साइबर सेल को ये प्रार्थना पत्र दिया गया, उस पर जांच हुई और इसमें कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो हमारी जो साइबर सेल प्रभारी रूपेश और कोतवाली की टीम ने मिल करके एक चंदन शाह जो मूल रूप से छपरा का रहने वाला है बिहार का और ये वर्तमान में गाजियाबाद में वसुंधरा में रह रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये फर्जी राफसर जो बन के काम करता था उसकी एक आईडी भी बरामद हुई है, फर्जी आधार कार्ड जो राजवीर नाम से ये ठगी करता था वो मिला हुआ है, इसके कब्जे से गाड़ी जो जिससे वो करता था आईफोन भी मिला है और इसमें जो पैसा इसके अकाउंट में डलवाया हुआ था वो पैसा भी इसका 1,14,000 फ्रीज कराया गया है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं ने नामांकन किया, जिसमें बीजेपी के बागी नेता सुशीला देवी पुत्र श्याम सुंदर अग्रहरी ने निर्दलीय नामांकन किया। नगर पंचायत भारत भारी से साजिदा खातून पत्नी अजीजुल्ला डब्ल्यू ने बीएसपी से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। नगर पंचायत भारत भारी से बीएसपी से टिकट न मिलने पर कैलाश पाती पुत्र विजय यादव ने निर्दलीय नामांकन किया है। नगर पंचायत बढ़नी जाफा से अजय वर्मा ने बीएसपी से नामांकन किया। वहीं जिन नेताओं को पार्टी से टिकट मिला उन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया है। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे की गिनती में हर मुद्दे हैं। नामांकन हमने किया है, जीत के लिए किया है, हम जीत के आएंगे, जनता के बीच में काम करेंगे। रोड हो गया, नाली हो गया, खड़ंजा जो भी है, गलियों गलियों में लाइट नहीं है, रोडों पे लाइट नहीं है, पर हाल पड़ा है, स्कूल भी वैसे हैं, शिक्षा भी नहीं सही है, स्वास्थ्य का तो आप जानते हैं उसका बहुत बुरा हाल है। बेवा में एक हॉस्पिटल है तो भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, ऐसा नहीं है। मुझे बहन जी का पूरा आश्वासन मिला है, हरी झंडी मिला है, मैं आया हूँ, पर्चा दाखिला हो गया है मेरे पिता श्री रामशंकर यादव के नाम से और मुझे बिल्कुल अभी इंतजार है। 3 बजे से पहले मुझे कहा गया है कि आप सबमिट हो जाएगा, वहाँ से फैक्स किया जाएगा और नहीं अगर ऐसा होता है फिर भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। सोनभद्र के विकासखंड नगवा के ग्राम पंचायत रायपुर में ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अवैध जॉब कार्ड बनाकर अवैध तरीके से मनरेगा मजदूरी भुगतान कराकर लोगों से धन की उगाही वो कर रहे हैं, जिसमें ऐसे मजदूरों का नाम डाला गया था जो मनरेगा के तहत कभी काम करने नहीं जाएंगे। ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक अपने ही चहेतों के मनरेगा मजदूरी खाते में पैसे डलवाकर उनसे कमीशन पर लेकर धन की उगाही करते हैं। सर जो भेजा उसी ने बोला, क्या बोला? आपके खाते में पैसा भेज दिया है और 400 रुपया अपना रख करके 1800 रुपया मेरा दे दीजिए। किसने भेजा और किसने बोला आपको? हमसे चंदमणी ने बोला। चंदमणी कौन है? पंचायत मित्र है। प्रधान कौन है? प्रधान उस टाइम बुल्लू थे जी, मतलब प्रधान पति वो है, अब बुल्लू के और नहीं जानते। एक्चुअली राम बलि शिकायतकर्ता द्वारा जो है ग्राम पंचायत रायपुर और रैया मैं 3 कार्यों पे जो है कुछ श्रमिकों का फर्जी तरीके से भुगतान किए जाए पंचायत में द्वारा किए जाने के संबंध में जो है, यहाँ 75% सत्य है सर, यहाँ 75% फर्जी तरीके से जॉब कार्ड भर करके पैसा निकाला गया और करोड़ों रुपया घोटाला किया गया है। लेकिन मौके पर जांच किया गया, एक जॉब कार्ड को तो उसपे तो सादा पाया गया है। बिल्कुल उसी तरह होता है, सारे के सारे जॉब कार्ड सादा है, मजदूर आज मजदूरी के लिए परेशान है। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, भारतीय आदर्श योग संस्थान का 1 साल पूरा, 1 साल पूरे होने पर मुख्य सचिव ने दी बधाई।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय आदर्श योग संस्थान का एक साल पूरा हो गया है और मुख्य सचिव ने इस मौके पर अपनी ओर से बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय आदर्श योग संस्थान का सफलतापूर्वक एक साल पूरा हो गया और इस मौके पर बधाई दी। एक साल पूरा होने पर मेरी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण रत्नश्री जी ने लखनऊ शहर में तमाम सारे लोगों को योग, जो कि हमारे संतों की, महर्षियों की, जो हमारे देश की सनातन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। जो पिछले करीब 7-8 साल से इन्होंने लखनऊ में प्रयास किया और इसको एक अपने खुद की संस्था 2022 में, और मुझे गौरव प्राप्त हुआ कि उस संस्था की शुरुआत पिछले साल मैंने की। भारतीय आदर्श योग संस्थान का एक साल पूरा हो गया और इस मौके पर बधाई मुख्य सचिव ने अपनी ओर से दी है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय आदर्श योग संस्थान का एक साल पूरा हो गया। और अब बड़ी खबर लखनऊ से, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑन 5G मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया संबोधित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ऑन 5G यहां पर कार्यक्रम यहां किया गया और इस मौके पर संबोधन भी किया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस मौके पर संबोधन किया। इंडस्ट्रीज श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख सचिव अर्बन डेवलपमेंट नगर विकास श्री अमृत अभिजाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अधिकारीगण, भारत सरकार के अधिकारीगण, आज के इस कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में भाग ले रहे विभिन्न विभागों से आए हमारे अधिकारीगण, ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को रिप्रेजेंट करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिगण, एक्सपर्ट्स, सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज 5G नेटवर्क, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6ठे जो कॉन्फ्रेंस था, मोबाइल नेटवर्क का कॉन्फ्रेंस था, उसमें लॉन्च किया पहली अक्टूबर 2022 को, आज उसका कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप यहां लखनऊ में कर रहे हैं। इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश को 5G नेटवर्क में आगे बढ़ाने के लिए हमारे तमाम सारे शहरों को, लखनऊ को, बनारस को, गोरखपुर को, प्रयागराज को, इन तमाम सारे शहरों को आपने चुना है और 5G आने वाले समय में हम लोगों की जिंदगी को एक मेजर कायाकल्प करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। बाराबंकी में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट बांटे जाने के बाद कई नाराज बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराज हो गए। आपको बता दें कि नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और टिकट ना दिए जाने पर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका परिषद के वार्ड मखदूपुर में टिकट कटने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता तरुण गुप्ता ने आत्मदाह करने की कोशिश में खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपमान के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन यहां किया। पार्टी जब ये बनी, जब इसका जन्म हुआ, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बना और राष्ट्रीय सेवक संघ का, वो किताबें आती थी और वीरेंद्र स्वरूप पाठक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, वहाँ से रसीदें आती थी।
भाई साहब 5-10 रुपया किसी जेब से नहीं निकलता था राम जन्म मंदिर के। मैं रामनवमी को जाता था रसीद लेकर दूसरे का नाम दूसरे का गांव लिखाकर 5 रुपए से लगा के 21 रुपया और मैं अपने पास से जमा करता था। अभी हिंदू नवाज था, मैं 200 भाई का केरे डम पे लेके गया, 25,000 रुपया मेरा उस दिन खर्च में मैंने खुद खर्च किया, संघ वालों ने बुलाया था और भाजपा के हर एक मीटिंग में, यहाँ तक कि मैंने काबलू टीपे में खुद का खून और 4 लोगों का खून और खून भी निकलवा के दिया वहाँ पे। हर एक मीटिंग में तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता था। टिकट देने की बारी आई तो जो भाजपा टिकट मांग रहे थे 2-3 लोग उनको नहीं दिया गया। जो बसपा ही था पहले, जिसने भाजपा में होर्डिंग पोस्टर तो नहीं लगाया, उसने 2 लाख रुपया देके उसको भाजपा पार्टी ने टिकट दे दिया। धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं कि इनको टिकट नहीं दिया गया। जैसे मुझे, मैं 3 बार का सभासद हूँ, भाजपा से हूँ, जब सरकार भाजपा नहीं थी 2006 में जीता, 2012 में जीता, 2017 में जीता, अब मेरा टिकट काट दिया गया है। क्या कारण कोई बता नहीं रहे कि टिकट मिल रहा है गोविंदा जी, मिल रहा है टिकट गोविंदा जी। आज देखा लिस्ट मेरा नाम ही है, मैं रसूलपुर वार्ड नंबर 26 भाजपा से ही, मैं 3 बार से भाजपा से ही रहे जी लगातार में, इस बार कट गया, क्या कारण है बता नहीं है। मैं जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का काम करता चला आ रहा हूँ और बराबर है सारी जितने भी इलेक्शन होते सारे में पोलिंग बूथ का अरेंजमेंट देखता, सब कुछ देखता था। कल के लड़के जो करते भाजपा का विरोध करते तो उसको टिकट दिया गया, मुझको काट दिया गया। पिछली बार मैं रनर रहा, 1 मुस्लिम 4 व्यक्ति 5 हिंदू लड़ रहे थे, उनसे मैं अकेले फाइट किया जाके, उसके बाद मेरा काट दिया गया। तो चुनाव में टिकट ना मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई, जोरदार प्रदर्शन कार्यालय के बाहर यहां किया गया है। बाराबंकी की तस्वीरें हैं, आप सुन रहे थे किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं और उनका यह कहना है कि वो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ उन्होंने पार्टी को दिया लेकिन उसके बावजूद बिना कोई वजह के उनकी टिकट काट दी गई। एक कार्यकर्ता ने तो यहां अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश भी की है। बस्ती में निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। सपा ने इस बार सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। सपा प्रत्याशी नेहा वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता राम प्रसाद चौधरी, सदर विधायक और जिलाध्यक्ष महेंद्रनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा की नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी नेहा वर्मा ने कहा कि चुनाव में वो शहर की सफाई, सीवर लाइन और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी, जिन पर पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ। साफ सफाई, महिला सुरक्षा, जो सीवर लाइन्स नहीं है, 5 सालों में जो सरकार ने काम नहीं किया है उसको लेकर हम सारी चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। जनता के बीच जाएंगे, पिछले आप याद करें 5 वर्ष पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तब पूरा बस्ती का अमन चैन, पूरा सफाई, सीवर लाइन, सारा बिजली पानी सब व्यवस्था हो जाएगी। 5 साल बीत गए, देखा आपने कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए 5 वर्षों में। हम लोग की पूरी तैयारी है, निकाय चुनाव में कोई जो है हम लोग के मुकाबले नहीं है। नेहा वर्मा भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं। मुद्दे हम लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं साफ हो रही हैं, सीवर लाइन नहीं है, और इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार, उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, नगर पालिका का विकास नहीं हुआ और सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी सरकार है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। देवरिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। प्रत्याशी सिंबल आवंटन के बाद अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं जिले के नगर पालिका परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 6 महिला सीट होने पर बीजेपी सपासद पद प्रत्याशी रूपा शुक्ला ने अंबेडकर नगर भीकमपुर रोड पर जनसंपर्क कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय जनता मौजूद रही। Thank you.
वार्ड का विकास कर रहे हैं। किस विकास के मुद्दे से आप लड़े? जैसे सड़क निकालना, नाली निकालना और मतलब गरीबों की सहायता करना, ये सब हमारा लक्ष्य है। उसका कारण यह है केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं हैं, हमारा पंचायत स्ट्रांग न होने की वजह से बहुत ज्यादा, अभी हम लोग लाभार्थी सेल्फी भी कर रहे थे तो जहां भी अदर पार्टी की सरकार थी वहां हमारी सरकार की जो भी गरीबों की योजना है उसको लाभार्थियों तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा है। तो जब हम पंचायत स्तर तक बूथ एकदम गाँव तक, हर गाँव गाँव तक पहुँचे हैं, तभी सारी हमारी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजना जनता को मिलेंगी। गौ तस्कर के मामले में फरार चल रहे गौ तस्कर से मथुरा पुलिस की मुठभेड़ हो गई। थाना कोसी क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हुई इस मुठभेड़ में गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद घायल गौ तस्कर को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि अभियुक्त पर आधे दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 15,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इसी बीच देर रात एसओजी टीम और गोविंद नगर पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी और घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अभियुक्त ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा घोषित 15,000 का इनाम मियां बदमाश, जिससे आज मुखबिर की सूचना पर एसओजी और गोविंद नगर की पुलिस द्वारा घेरा गया। इस घेराबंदी पर अभियुक्त सलीम द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। यूपी निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नामांकन का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा अपना अपना नामांकन करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अन्य दलों के द्वारा भी जल्द ही ऐलान होने वाले हैं। बता दें कि कानपुर देहात जिले की 13 नगर निकाय हैं, जिसमें 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद हैं, जिनमें चुनाव होने हैं। इससे पहले 2017 में हुए नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी की लहर यहां देखने को मिली थी, लेकिन इस बार अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, नेताओं पर विश्वास है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम लोग किसी तरीके का दबाव, बेईमानी नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ा संघर्ष हमको करना पड़े। ऐसा है, जिम्मेदारी हमको आज मिली है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 20 साल से हूँ और मैंने संगठन के बारे में देखा है, कैसे संगठन चलाया जाता है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, ये मुझे भली बात जानकारी है और हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। तो सपा ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। निकाय चुनाव के लिए नामांकन लगातार किया जा रहा है, प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और एक अलग ही माहौल निकाय चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। सपा ने यहां से अपने प्रत्याशियों की घोषणा निकाय चुनाव के लिए कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले निकाय चुनाव में बीजेपी की लहर देखने को मिली थी। अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, नेताओं पर विश्वास है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम लोग किसी तरीके का दबाव, बेईमानी नहीं होने देंगे, चाहे कितनी बड़ा संघर्ष हमको करना पड़े। ऐसा है, जिम्मेदारी हमको आज मिली है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 20 साल से हूँ और मैंने संगठन के बारे में देखा है, कैसे संगठन चलाया जाता है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, ये मुझे भली बात जानकारी है और हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। तो यार
हमीरपुर जिले में दूसरे चरण के में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। निकाय चुनाव में अध्यक्ष व वोटिंग नगर पालिका सदस्य के लिए सुबह से ही नामांकन स्थल पर लोगों का अपने समर्थकों के साथ आना शुरू हो गया। सुरक्षा को लेकर तहसील परिसर में भारी पुलिस बल भी यहां तैनात रहा। जिले की सभी चारों तहसीलों में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन कराया गया। भारतीय जनता पार्टी से बनाया गया है तो उसमें हम लोग सब नामांकन भी कराया है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अग्रवाल साहब और समस्त कार्यकर्ता। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।